हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोज है आप उनको देख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 जनवरी के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सभी में करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, सभी एग्जाम के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आज तक जरूर देखें दोस्तों, स्किप ना करें, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? कब मनाया गया है? 24 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 भी आते हैं दोस्तों। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पहले हाफ ह्यूमेनॉइड रोबोट का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? क्या है उसका नाम दोस्तों? व्योम मित्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? कौन रहा? महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। हाल ही में कैटरीना स्केलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों? किस देश की? ग्रीस की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये नाम दोस्तों याद रखे, कैटरीना स्केल रोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों? ग्रीस कंट्री की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया दोस्तों? कब मनाया गया है? 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में यूपीआई भुगतान सेवा देने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बन गया है दोस्तों? कौन? रिलायंस जियो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में किस मेट्रो ने रेड बस के साथ साझेदारी की है दोस्तों? किस मेट्रो ने दोस्तों? हैदराबाद मेट्रो, मेट्रो ने दोस्तों किसके साथ किया है दोस्तों साझेदारी? रेड बस, जो कि दोस्तों रेड बस एक वेबसाइट है, यानी कि एक कंपनी है जहां से हम जाके अपनी कोई भी जो बस है वो बुक कर सकते हैं। आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के EFL संयंत्र को बंद करने की मंजूरी दी है दोस्तों? किस राज्य के? तेलंगाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। जो इसका सही आंसर है हर एक क्वेश्चन का वो आपको रेड कलर में मिल जाएगा दोस्तों, वही उसका सही आंसर है। HFL संयंत्र को बंद करने की मंजूरी दी है किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। हाल ही में किस देश के पहले गांधी सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहां पे? किस देश में किया गया दोस्तों? नाइजर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। हाल ही में किसने रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर के लिए वेस्टर्न यूनियन के साथ साझेदारी की है दोस्तों? किसने? एयरटेल ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के चुनाव आयोग के साथ समझौता किया है दोस्तों? किस देश ने किया दोस्तों? उपर्युक्त दोनों, यानी कि तुनिसिया और पापुआ न्यू गिनी, ये दो कंट्री है जिसने भारत के साथ चुनाव आयोग के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में वीमेन विद व्हील्स व्हील्स नामक टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? कहाँ पे शुरू की गई है? नई दिल्ली में, वुमेन विद व्हील्स नामक टैक्सी सेवा। सही, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है दोस्तों? किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और दोस्तों, हमारे ड्रीमर्स चैनल पर जीके ट्रिक्स का बाप 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसके माध्यम से आप जीके को आसानी से दिमाग में बैठा सकते हैं। और दोस्तों, आपको चैलेंज करता हूँ, ये ऐसी ट्रिक्स होगी जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसका आपको आंसर बताना है कमेंट करके। हाल ही में जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक में कौन
कौन सीट्स पर रहा? इसके चार ऑप्शन है दोस्तों, न्यूजीलैंड, स्वीडन, आइसलैंड या फिर नॉर्वे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, एंड थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।